मैं दिल्ली हूँ। मुझे गर्व है आप आजादी की 50वीं सालगिरह का समारोह हर्षोल्लास से मना रहे हैं और पूरी तन्मयता के साथ मेरी 5000 वर्षों की इस यात्रा में सहभागी हैं। आपने देखा कि नागवंशियों और असुरों के अत्याचारों से त्रस्त ऋषियों का समूह जब महाराज ययाति के दरबार में पहुंचा तो उनकी पुकार सुन के ययाति का हृदय दहल गया। उन्होंने नागवंशियों और असुरों को दंड देने के लिए सेना को कूच करने का आदेश दिया। सरयानावत पहुंचते ही उनकी भेंट एक सुंदर युवती से हुई। इस भेंट ने कुछ देर के लिए युद्ध से होने वाले रक्तपात की संभावना को भी रोक दिया। एक ओर वो युवती यौवन के उन्माद में सारी बातों से अनजान थी, दूसरी ओर ययाति अपने कर्तव्य बोध और प्रणय प्रसंग के बीच झूल रहा था। और मैं ये सोच रही थी कि इस भेंट का परिणाम क्या होगा। यदि नींद आ जाती तो फिर मैं कैसे आती? तो आपको प्रश्न का उत्तर मिला? जो स्वयं एक प्रश्न बनकर रह गया हो वो उत्तर कैसे हो सकता है? ये स्वप्न तो नहीं? मैं आपके उत्तर का उत्तर बनकर कल फिर आऊंगी। महाराज। सेनापति, महाराज की जय हो। क्या बात है महाराज, आप किसी गहरी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। हां सेनापति, चिंता में तो हम अवश्य हैं। महाराज, इन असुरों को परास्त करना हमारे लिए कोई बड़ा कार्य नहीं है। प्रश्न परास्त करने का नहीं है, प्रश्न युद्ध का है, रक्तपात का है, विनाश का है। महाराज, निस्संदेह आप दयालु हैं, परंतु अपराधियों को उनके घोर अपराध के लिए दंड देना भी तो आवश्यक है। और क्षमा करना भी तो हमारी संस्कृति है। महाराज, किंतु ये लोग इस योग्य नहीं है, बिच्छू हैं, डंक मारते रहेंगे। तुम सत्य कह रहे हो सेनापति, बिच्छू का स्वभाव ही डंक मारना। एक बार एक बिच्छू पानी में डूब रहा था, पास ही खड़े हुए साधु ने उस बिच्छू को बचाने के लिए अपने हाथ का सहारा दिया। बिच्छू ने उसके हाथ पर डंक मारा, साधु ने पीड़ा से अपने हाथ को पीछे कर लिया और बिच्छू फिर डूबने लगा। साधु ने उस डूबते हुए बिच्छू को बचाने के लिए अपने हाथ का सहारा फिर दिया, बिच्छू ने फिर उसके डंक मारा, साधु पीड़ा से तड़प उठा, फिर भी उसने उस डूबते हुए बिच्छू को बचाने के लिए अपने हाथ का सहारा दिया। तब दूर खड़े हुए आगंतुक ने कहा, तुम बार बार उसको बचाने का प्रयत्न कर रहे हो और वो बार बार तुम्हारे हाथ पर डंक मार रहा है, यातना दे रहा है। साधु ने कहा, डंक मारना उसका स्वभाव है और बचाना हमारा कर्तव्य। वो जंतु जानवर होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, हम मनुष्य होकर अपना कर्तव्य कैसे छोड़ रहे हैं? महाराज, जानवर हमारी दया का पात्र है, जीव हत्या करना पाप है, किंतु अपनी रक्षा करने के लिए पापियों की हत्या करना कोई पाप नहीं है। सेना को आक्रमण करने का आदेश दो महाराज। सेनापति, युद्ध अंतिम विकल्प होता है। इस क्षेत्र में असुरों और नागवंशियों के साथ और लोग भी रहते हैं,
जिनसे हमारा कोई बैर नहीं। दोषियों के साथ निर्दोष न मारे जाए ये देखना भी हमारा कर्तव्य है। अतः प्रतीक्षा करना ही उचित होगा। जो आ गया महाराज। कल तुमने कहा था उत्तर का उत्तर देने आऊंगी और उत्तर का उत्तर देने में इतना विलंब। विलंब किया मैंने? नहीं तो। जानती हो तुम्हारे जाने और आने के बीच में जो समय बीता उसमें कितने पहर कितने पल कितने क्षण थे। तुमने तो कदाचित ये भी ना सोचा होगा इतने पहर इतने पल इतने क्षणों का एकांत मृत्यु के समान कष्टदायी रहा होगा। कष्टदायी एकांत? एकांत होते हुए भी मैं तो कभी अकेली नहीं रही। एकांत के हर पल में एक एक क्षण में आपकी स्मृति मेरे साथ में रही और फिर उत्तर का उत्तर देने में आप मुझे इतना भी समय नहीं दे सकते। देखिए इन आंखों में झांक कर आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, किंतु तुम्हारी प्रतीक्षा का एक एक पल ऐसे बीता मानो कई युग बीत गए हों। यदि ये स्वप्न है तो कभी न टूटे, यदि यथार्थ है तो ये पल यही थम जाए। जी चाहता है ऐसे ही तुम्हें देखता रहूं। मुझे डर लग रहा है। डर? कैसा डर? कहीं आपसे बिछड़ न जाऊं। यदि आपसे बिछड़ी तो जीवन कठिन हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं। मैं तो कब की आपकी हो चुकी हूं। तुम मुझसे विवाह करोगी? विवाह? क्या सोच रही हो? विश्वास नहीं होता। अभी कुछ क्षण पहले ही तो भेंट हुई हमारी और अब तक हम एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते। प्रकृति की सुंदर कृति की रचना करके रचयिता ने इसका नाम क्या रखा होगा? नाम पूछने की यह शैली बहुत अच्छी लगी। अब बताओ ना तुम्हारा नाम क्या है? देवयानी। सुंदरता का इससे अच्छा नाम हो भी नहीं सकता। मेरा नाम
मेरे पिताश्री ने रखा है। कौन है तुम्हारे पिताश्री? गुरु शुक्राचार्य। क्या क्या नाम बताया तुमने पिताश्री का? गुरु शुक्राचार्य। नहीं। क्या नहीं? ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? यही कि तुम शुक्राचार्य की बेटी हो। तो क्या हुआ? यदि ये सच है तो समझ लो कि जो कुछ भी हुआ सब एक स्वप्न था। क्या? मैं समझी नहीं। देवयानी, समझ लो जिस प्रेम कहानी ने जन्म लिया था उसका अंत हो गया। क्या? हाँ, ये संसार की सबसे लघु प्रेम कहानी थी देवयानी, जिसकी अवधि केवल इतनी ही थी। किंतु क्यों? क्यों का उत्तर मेरा नाम है। मेरा नाम जान जाओगे तो प्रश्न नहीं करोगे। यदि तुम्हारा नाम जानने से इस प्रेम कहानी का अंत हो सकता है तो मैं नहीं जानना चाहती तुम्हारा नाम। किंतु जब तुम्हारे पिताश्री को मेरे नाम का पता चलेगा तो वो इस प्रेम कहानी के साथ साथ तुम्हारे भी जीवन का अंत कर देंगे। इतना कठोर है तुम्हारा नाम? तब तो मैं अवश्य जानना चाहूंगी तुम्हारा नाम। राजा ययाति है हम। क्या? महाराज ययाति? हाँ, असुरों के शत्रु। इस क्षेत्र में असुरों को उनके अत्याचारों का दंड देने के लिए आए हैं, और तुम असुरों के गुरु शुक्राचार्य की बेटी हो, अर्थात हमारे शत्रु की बेटी। शत्रु की बेटी हूँ? शत्रु तो नहीं। शत्रु की बेटी को किस नाम से पुकारेंगे हम? प्राण प्रिय, यही कहा था ना आपने? इसी नाम से पुकारा था ना आपने मुझे? उस समय इसका ज्ञान नहीं था हमें। किंतु अब मैं जान चुकी हूँ कि आप कौन हैं। फिर भी मैं आपको शत्रु नहीं मानती। तुम्हारे मानने न मानने से क्या होता है? किंतु तुम्हारे पिताश्री तो नहीं मानेंगे। कुछ देर पश्चात ये क्षेत्र युद्ध भूमि में बदल जाएगा। तो उस वचन का क्या होगा जो आपने मुझे दिया था? भेंट चढ़ गया वो वचन हमारे कर्तव्य पर। तो क्या आर्यपुत्र महाराज ययाति का वचन पानी पर लिखा एक वाक्य था जिसे नदी की एक लहर खा गई? नहीं, हमारा वचन अटल है मित्र की तरह। तो निभाइए उस वचन को, कीजिए विवाह मेरे साथ। अवश्य करेगी विवाह, किंतु युद्ध के पश्चात। नहीं, युद्ध के पश्चात विवाह नहीं होगा, सर्वनाश होगा। और मेरा विवाह रोकेगा इस सर्वनाश को। शताब्दियों से जो मनुष्यों का रक्तपात होता आ रहा है उसे रोकेगा मेरा विवाह। बस आप एक दिन के लिए ये युद्ध रोक दीजिए, मैं कल फिर आऊंगी। तुम नहीं आ पाओगे। मैं अवश्य आऊंगी महाराज। इतना विश्वास है अपने आप पर? अपने प्रेम पर। देवयानी, राजगुरु को संदेश दें, हम उनसे मंत्रणा करना चाहते हैं। महाराज, आप इस समय यहां? सब कुशल तो है? कुशल ही तो नहीं है गुरुवर। तो इसका अर्थ है युद्ध? नहीं, वो युद्ध तो अभी आरंभ भी नहीं हुआ, किंतु एक विचित्र युद्ध, एक द्वंद छिड़ गया है हमारे मन में। इसी कारण अनायास ही आपसे परामर्श के लिए यहां आना पड़ा। ऐसा कौन सा द्वंद है जिसने राजा को रणभूमि छोड़ने पर विवश किया? देवयानी। देवयानी? कौन देवयानी? गुरु शुक्राचार्य की पुत्री। अर्थात हमारे शत्रु की पुत्री? किंतु शत्रु की पुत्री से हमारा क्या संबंध? संबंध ही तो हो गया है गुरुवर। मैं देवयानी से प्रेम करने लगा हूं।
ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? शत्रु की पुत्री से प्रेम? हाँ महामंत्री, जब प्रेम हुआ तो हमें भान ही नहीं था कि वो हमारे शत्रु की पुत्री है, और जब पता चला तब तक हम अपना सर्वस्व हार चुके थे। किसने दिया आपको ये अधिकार? राजा स्वामी नहीं, अपने कर्तव्य का दास होता है। राज्याभिषेक के समय आपने कर्तव्य और निष्ठा की सौगंध ली थी, प्रतिज्ञा की थी आपने अपनी प्रजा और देश की रक्षा के लिए। कहां गई वो प्रतिज्ञा? तो क्या प्रेम करना पाप है? ये प्रेम नहीं, भावनाओं की पागल लहर है जो समय के साथ उठती है, किंतु कर्तव्य एक चट्टान है जिससे ये विचलित लहरें सर टकरा टकरा कर गिरती हैं और अपना अस्तित्व खो देती हैं। फिर आप कैसे भूल गए अपना कर्तव्य? युद्ध क्षेत्र छोड़ने का दुष्परिणाम शत्रुओं का अचानक आक्रमण भी हो सकता है, और उससे जो विनाश होगा उसका उत्तरदायित्व किस पर होगा महाराज? कर्तव्य और भावनाओं के इस संघर्ष में यदि कर्तव्य हार गया तो ये अपमान व्यक्ति का नहीं, राज सिंहासन का होगा, प्रजा का होगा, समस्त राज्य का होगा। व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उसे राजा दंड देता है, और यदि राजा अपराध करे तो उसे कौन दंड देगा? आपने यहां आकर व्यर्थ में ही अपना समय नष्ट किया। यदि आप ययाति और महाराज याति के अंतर को पहचान लेते तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर वहीं मिल जाता। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आर्यों ने अभी तक हम पर आक्रमण क्यों नहीं किया। लगता है कोई रणनीति बना रहे हैं। रणनीति बना रहे हैं या हमें जड़मूल से उखाड़ने का कोई नया उपाय सोच रहे हैं? यही तो लक्ष्य है उनके जीवन का, हमें मिटाना। वो लोग हमारे वनों को काटकर पक्षियों के ठिकाने छीनते हैं, ये संस्कृति है उनकी। वो लोग मैदानों की हरियाली काटकर पशुओं से दाना पानी छीनते हैं, यह मानवता है उनकी। नदियों पर घाट बनाकर जल को दूषित करते हैं और कहते हैं यह सभ्यता है उनकी। छल और कपट तो भरा हुआ है उनके हृदय और मस्तिष्क में, आज भी किसी छल की योजना बना रहे होंगे वो। सत्य कह रहे हैं दलनायक, छल ही तो किया है उन्होंने हमारे साथ। क्या? राजा ययाति ने दिव्यानी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। क्या कह रहे हो तुम? मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं उन दोनों का प्रेम मिलन। अगर गुरुदेव को इस बात का पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। कभी नहीं, हमारे शत्रु को वरमाला पहनाएगी तू, उस हत्यारे को वरमाला पहनाएगी जिसके हाथ असुरों के रक्त से लाल है, उसको वरमाला पहनाएगी जो हमारा अस्तित्व मिटाने आया है। आपके मन में भी तो द्वेष है उनके लिए, इसीलिए तो आर्यों के आश्रम, उनकी बस्तियाँ, उनके गुरुकुल को आग लगा दी, उनके परिवार जनों को पशुओं की भांति चुन चुन कर मारा, उन्हें ये क्षेत्र छोड़कर भाग जाने पर विवश किया। तो क्या अपनी छाती से लगाते उन भेड़ियों को, अपना रक्त पीने देते? वे आर्य हैं, हम उनकी संस्कृति को, उनकी सभ्यता को और उनके वंशों को मिटाने का संकल्प कर चुके हैं। क्या तू नहीं जानती कितने कपटी हैं वे? उनके स्वभाव में धोखा है, उनके रक्त में विष। कितना बड़ा अत्याचार किया है उन्होंने मेरे साथ, और उसी अत्याचार का परिणाम है मेरी ये आंख। किस तरह उन्होंने मुझे अंधा बनाने का प्रयास किया था, तभी आर्य होकर आर्यों के विरुद्ध विद्रोह किया है मैंने। त्याग दिया मैंने आर्यों को, उनकी संस्कृति को, उनकी सभ्यता को। वे इस धरती से असुरों को समाप्त कर देना चाहते हैं, और मैं इस धरती से उनका नाम, उनका अस्तित्व मिटा देना चाहता हूँ। यदि आर्यों और उनकी संस्कृति से इतनी ही घृणा थी आपको, तो फिर मुझे आर्य संस्कृति क्यों सिखाई, क्यों मुझे शिक्षा दी, क्यों मुझे संस्कृत पढ़ाई और क्यों शिक्षा नहीं दी उन असुरों को, क्यों उन्हें अनपढ़ और गंवार रखा? है आपके पास कोई उत्तर?
पर मेरे पास इसका उत्तर है। आपने ये सब अपने स्वार्थ के लिए किया है, इस स्थान के लिए किया है, इस आसन को पाने के लिए किया है। आसन? हाँ, गुरु का आसन। यदि आप असुरों को भी शिक्षित कर देते तो उन्हें भी संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हो जाता, उनके भी हृदय बदल जाते, उनकी विचारधारा बदल जाती, और फिर वो हिंसा के नहीं अहिंसा के मार्ग पर चलते, और फिर उन्हें आपकी आवश्यकता नहीं होती। देवयानी, यदि आपने आर्यों का नाम मिटाने की प्रतिज्ञा की है तो उसमें सर्वप्रथम नाम मेरा लिख लीजिए। ये क्या कह रही है तू? मैं सत्य कह रही हूँ। महाराज ययात से विवाह के पश्चात मैं असुरों के गुरु शुक्राचार्य की बेटी नहीं, महाराज ययात की पत्नी कहलाऊंगी, आपके शत्रु की पत्नी। लगता है उसके छल कपट का विष पी गई है तू। मैंने विष नहीं, प्रेम का अमृत पिया है। मैं समझ गया उसका षड्यंत्र, किंतु वो जो चाहता है कदापि संभव नहीं हो सकता। पिताश्री, उनका प्रेम षड्यंत्र नहीं है। चुप हो जा देवयानी। यदि मेरा प्यार तेरे सर पर ममता का हाथ रख सकता है तो मेरा क्रोध तेरा गला भी दबा सकता है। विपाशा, ले जाए इसे यहां से। इसका बावलापन अब और सहन नहीं किया जा सकता। मैं इसकी मूर्खता को असुरों के विनाश का कारण नहीं बनने दूंगा। इसे इसके कक्ष में बंद कर दे, अब ये बाहर नहीं जाएगी। आतिथ्य स्वीकार करें। ययाति, झूठी विनम्रता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये झूठी विनम्रता नहीं आचार्य, हमारी सभ्यता है। बड़ों का आदर करना हमारी संस्कृति है। और पीठ में छुरा घोपना, ये भी तुम्हारी संस्कृति है। आप कहने का चाहते हैं? तुम तो युद्ध करने आए हो तो केवल युद्ध की बात करो। युद्ध नहीं आचार्य, हम दंड देने आए हैं। दंड देने आए हो या एक भोली भाली कन्या को अपने प्रेम जाल में फंसा कर उसके पिता को अपमानित करने आए हो? यदि प्रेम अपमानित करता है तो मैं दोषी हूं, यदि प्रेम करना पाप है तो मैं अपराधी हूं। सुनो ययाति, तुम्हारा यह षड्यंत्र सफल नहीं हो सकता। मैंने अपनी बेटी की मूर्खता को बंदी बना दिया। तो फिर यहां किस लिए आए हैं? यही जताने के लिए कि तुम असुरों को उनकी भूमि से नहीं निकाल सकते, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। किन अधिकारों की बात कर रहे हैं शुक्राचार्य? उन अधिकारों की जिनके अनुसार हम इस क्षेत्र में रहते हैं। इस क्षेत्र पर असुरों का अधिकार कहां से हो गया? ये क्षेत्र तो हमारे राज्य का एक भाग है। वो लोग तो बाहर से आए हैं और इस पर अपना अधिकार जमा लिया। बाहर से तो आर्य भी आए, तुम भी तो यहां के वासी नहीं हो, फिर तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया? हाँ, हम भी बाहर से आए हैं, किंतु हमने इस धरती से प्रेम किया है, इसे अपनाया है, इसके शस्य श्यामला गुणों को पहचाना है, अपने रक्त से इसको सींचा है, परिश्रम का हल चलाया है, इस पर इसकी छाती से अन्न उपजाया है, वृक्ष लगाए हैं, कुएं खुदवाए हैं, हरियाली लगवाई है, ग्रामों का विकास किया है, आश्रम और पाठशालाएं बनाई, गुरुकुल बनाए, लोगों को शिक्षा दी है, विद्या और ज्ञान का घर घर दीप जलाया है, सुख शांति का संदेश दिया है, जियो और जीने दो की नीति बताई है, एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति की नींव रखी है। और तुमने क्या किया है? इस धरती को उजाड़ा है, इसे लूटा है, इसे आग लगाई है, बच्चों वृद्धों का रक्तपात किया, नारियों के साथ बलात्कार किया, उन्हें अपमानित किया। लाखों असुरों का रक्त बहाने वाले
उन्हें पशु कहकर उनकी हत्या करने वाले, उनके मृत शरीरों पर अपने अश्व दौड़ाने वाले, उन्हें घर से बेघर करने वाले, निर्माण की बातें करते हैं, सभ्यता की बातें करते हैं, धर्म के नाम पर नरसंहार को संस्कृति कहते हैं, लोगों को स्वर्ग का लालच और नरक का भय दिखलाकर धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। भय और लालच का नाम धर्म नहीं है। जीवन बिताने के लिए आदर्श नियमों का पालन करना धर्म है। अच्छे कर्म करने का नाम धर्म है और बुरे कर्म करने का नाम अधर्म। किंतु धर्म क्या होता है ये तुम क्या समझोगे शुक्राचार्य? धर्म का अर्थ मैं भली भांति समझता हूं। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करना, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना, और हमारी प्रतिज्ञा है आर्यों को मिटाना, उनकी सभ्यता उनकी संस्कृति का नाश करना और इस धरती पर असुरों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो फिर समझ लो असभ्य असुरों के विनाश का समय आ गया है। असुरों का विनाश असंभव है ययाति। तुम असुरों के लिए मृत्यु के व्यापारी बनकर आए हो और मैंने मृत्यु को अपने वश में कर लिया है। मैंने असुरों के लिए मृत्यु के द्वार बंद कर दिए हैं। इसका निर्णय तो युद्ध भूमि करेगी शुक्राचार्य। कल का दिन असुरों के लिए विनाश का दिन होगा। तत्पश्चात यहां केवल सन्नाटा होगा, मृत्यु का सन्नाटा। कल युद्ध भूमि में असुरों के सर भी कटेंगे और आर्यों के सर भी। अंतर केवल इतना होगा कि आर्यों के मृत शरीर वहीं पड़े रह जाएंगे किंतु असुर फिर जीवित हो जाएंगे। मैंने असुरों को मृत्यु से मुक्ति दिला दी है। मेरे पास मृत्यु संजीवनी है, उन्हें पुनः जीवित करने का मंत्र। शुक्राचार्य, यदि ये मंत्र हमारे पास होता तो हम इसका उपयोग जन कल्याण के लिए करते, विनाश के लिए नहीं। किंतु तुमने वरदान को भी श्राप बना दिया है। चाहिए अब आपसे भेंट युद्ध भूमि में होगी। अवश्य होगी। क्या हुआ? क्या बात क्या है? क्या हुआ? तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? देवयानी, विपाशा, क्या हुआ? विपाशा, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? गुरुदेव, देवयानी ने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। मर गई मेरी बेटी, मेरी बेटी मर गई। असत्य है ये, मेरी बेटी कैसे मर सकती है? शुक्राचार्य की बेटी कैसे मर सकती है? मैं जीवित करूंगा इसे, मैं अपनी बेटी को जीवित करूंगा।
सुवर्ण की अग्नि प्रज्वलित कर। खोल मेरी ओर देख, मैं हूं तेरा पिता। हां बेटी, तू फिर जीवित हो गई। मैं जीवित हो गई? हाँ। क्यों जीवित किया मुझे? ये तू क्या कर रही बेटी? नहीं, मैं जीना नहीं चाहती। मैं जीना नहीं चाहती। क्यों जीवित किया मुझे? मैं जीना नहीं चाहती। मैं जीना नहीं चाहती। नहीं बेटी, ऐसा न कह। तू जीवित रहेगी। तुझे जीवित रहना पड़ेगा मेरे लिए, अपने पिता के लिए। नहीं, अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है। मैं जीना नहीं चाहती। मैं फिर विष खा लूंगी। मैं तुझे फिर जीवित कर दूंगा। नहीं, इस बार आप मुझे जीवित नहीं कर पाएंगे। मैं तुझे जीवित करूंगा बेटी। मैं तुझे जीवित करूंगा। मेरे पास आंखें खोल बेटी, आंखें खोल, मेरी ओर देख, मैं हूं तेरा पिता। हां बेटी, तू फिर जीवित हो गई। मैं जीवित हो गई? हाँ, हाँ। क्यों जीवित किया मुझे? ये तू क्या कर रही बेटी? नहीं, मैं जीना नहीं चाहती। मैं जीना नहीं चाहती। क्यों जीवित किया मुझे? मैं जीना नहीं चाहती। मैं जीना नहीं चाहती। नहीं बेटी, ऐसा न कह। तू जीवित रहेगी। तुझे जीवित रहना पड़ेगा मेरे लिए, अपने पिता के लिए। नहीं, अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है। मैं जीना नहीं चाहती। मैं फिर विष खा लूंगी। मैं तुझे फिर जीवित कर दूंगा। नहीं, इस बार आप मुझे जीवित नहीं कर पाएंगे। मैं तुझे जीवित करूंगा बेटी। मैं तुझे जीवित करूंगा। मेरे पास मृत्यु का उपचार है। पिताश्री, जीवन और मृत्यु को आपने खेल समझ लिया है। सांसों के आने जाने को आप जीवन कहते हैं। आत्मा का कोई मोल नहीं है आपके लिए। मृत्यु संजीवनी का मंत्र मृत देह में प्राण तो डाल सकता है, किंतु आप ये भूल रहे हैं कि प्राणों के साथ शरीर में एक हृदय भी होता है, जो धड़कता है, जिसमें भावनाएं रहती हैं, प्रेम पलता है। आप मेरी भावनाओं को मारकर मुझे जीवन दान देना चाहते हैं। कैसे पिता हैं आप? मेरे प्रेम का गला घोटकर, मेरी इच्छाओं की बलि चढ़ाकर मुझे जीवित रखना चाहते हैं। क्या तू उसे भूल नहीं सकती है बेटी? जिसके लिए स्वयं को भुला बैठी, उसी को भूल जाने के लिए कहते हैं आप? पिताश्री, यदि मैं उसे इस जीवन में ना पा सकूं, तो मुझे मरने से मत रोको। मैं उसे मरकर पाना चाहती हूँ। मरकर पाना चाहती हूँ उसे। ना बेटी ना,
यदि तू मर गई तो मेरे जीवन के सारे सपने बिखर जाएंगे। तेरे बिना तो मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। पिताश्री, आर्यों की समाप्ति है आपके जीवन का लक्ष्य है ना? आप युद्ध कीजिए। मैं आपकी राह की बाधा नहीं बनना चाहती, क्योंकि मैं आपको हारता हुआ नहीं देख सकती। आप मेरे पिता ही नहीं, असुरों के गुरु भी हैं। यही तो मेरा दुर्भाग्य है बेटी, कि मैं पिता भी हूं और गुरु भी। किंतु अब इन दोनों में से केवल एक जीवित रहेगा, केवल एक। वचन दो